चले जी, हम थोड़ा सा जूस अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में हाँ बाबा जी तैयार था, बाबा जी तैयार था। वाह, क्या क्या है? चाय क्या क्या डाला है? क्या डाला है इसमें? क्या खाना है? खाओ, खाने से काम होना चाहिए। हाँ मैं सिर्फ खाओ बस। देखे देख ऐसा चिकन भी डाला है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। पूछते भी क्यों उसे में नहीं हो? वन आइटम ले मैंने। अच्छा क्या डालना है? चीज़ डालना जी। इन बाबा नाश्ता तैयार करो। ओके मजेदार जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल? आप सब ठीक खैरियत से हैं? तो आज सबको आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ आमना टाइम में। तो चले आज थोड़ा सा आपके साथ में एक अपनी मास्क जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी आ गया बंदा पता नहीं क्या किया मेरे साथ। इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा वाइट किया ताकि अली जो है थोड़ा सा हजारों की तरह वाइट वाइट लगे। चलो हम आपके आपको दिखाते हैं कि अभी तो गुड मॉर्निंग हो गई है। तो आप सबको मैं एक रिकमेंड करती हूँ, एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, BNB। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। इसमें जो है आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है अलग से, तो उस हिसाब से मैं आप सबको दिखा देती हूँ। 1 मिनट। थैंक यू। साफ है तीन बच्चों के बाद, तो चलो उनके लिए मैं आज ये थोड़ा सा वीडियो दिखा रही हूँ। ये BNB का फेस वॉश है। पहले आपने ये यूज़ करना है, उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद आपने स्क्रब करना है, ठीक है? हल्का सा, ज़्यादा दबाना नहीं चेहरे के ऊपर। स्क्रब के बाद आपने फिर से हल्का नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर दिया। उसके बाद ये आपने करना है, मास्क बनाना है। मास्क में ये पाउडर है, ठीक है? 1 चम्मच जो है मैंने राइस कर लिए। अली वीडियो ख़राब नहीं करो। चले ये यार मुझे तंग कर अली बिखाड़ी नहीं करो। तो जाओ ना। तो चले यार, ये क्योंकि ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, इनकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। तो इस हिसाब से मैं कहती हूँ जिनकी आप प्रेग्नेंट हो, या मिसाल इस तरह हमारी माएँ जो मतलब है कि उनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या दाने वगैरह है, पिंपल्स वगैरह हैं, तो उनको यही मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रूर BNB का आप ज़रूर यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मुझे तो मैंने यूज़ किया, जब से मैंने यूज़ किया कसम से मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, ठीक है? क्योंकि अभी 3 बच्चों के बाद आपकी जो होती है ना स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, आपके हेल्थ का बहुत इशू हो जाता है, आपके वेट का इशू होता है। तो इस चीज़ से आप अपना ख्याल रखें, ताकि आप अपना जब ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखेंगे, अपने बाकी घर वालों का भी। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखा करें, ठीक है? तो इस हिसाब से अभी मैं आप सबको करना दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। आपने फर्स्ट करना है अपने फेस वॉश, चेहरे को पूरा से आपने फेस वॉश करना है। इस चीज़ से क्योंकि आप मेरे सारे व्यूअर्स हैं, आपके साथ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होगी कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, ऑर्गेनिक है, ठीक है, कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करो कि इंशाल्लाह आप भी खूबसूरत लगे। ये नहीं कि आप ज़रूर अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि हमारी जो लेडीज़ होती है ना, ये इतना घर के कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो इसी जिसे मैं कहूँगी कि अपना पहले अपने चीज़ों का अपना ख्याल रखें, इसे आधा घंटा आपने निकाल दिया अपने लिए, अपना फेस वॉश करें, अपना थोड़ा सा मास्क लगाए, बाकी बस घर के काम तो वैसे ही होता है, वो तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेता।
ठीक है, साथ साथ में आप अपना ख्याल भी रखा करें, ठीक है। आज मुझे एक डेंटिस्ट के पास भी जाना है, वो अलमदार रोड में, तो अपने दांतों की वजह से मैं जा रही हूँ। ये सुनने में आया तो बहुत ज़बरदस्त है, तो आज वहाँ पे जाके मैं विजिट करने वाली हूँ। ये अलमदार रोड नाचारी इमाम बारागाह के बिल्कुल सामने है, तो हाँ जाके अगर मुझे थोड़ा सा जो मेरे दांतों का इशू है वहाँ पे जाके थोड़ा वही ये इशू साफ सुथराई करते हैं, क्योंकि ये मैं अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। सोने से पहले ज़रूर ब्रश करती हूँ डेली। दूसरी ये बात जो अब मैं आप सबको दिखा देती हूँ मेरे दांतों की, ये है कि बहुत बराबर है। अभी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ आपने शायद बिल्कुल शायद डॉक्टर के पास जाके बराबर के, नहीं क्योंकि मेरे दांत जो है शुरू से इसी तरह मैंने ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। ये देखे बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा अंदर से जो है थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लैक हो गया है, इससे कि मेरी एक गंदी बहुत गंदी आदत है, अल्लाह करे ये आदत ख़त्म हो जाए। बेहद मैं कोक ज़्यादा पीती थी क्योंकि मैं चीनी तो नहीं खाती, इस वजह से वेट की वजह से कि मेरा वेट ज़्यादा ना हो, तो उस हिसाब से जो एक गिलास कोक मैं ज़रूर लेती थी, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है। अभी चले खैर है, वो कोक जो है मैंने बाई कोक किया, बाई कोक तो मैं पीती नहीं अभी। अभी जो ये नेक्स्ट आया है नेक्स्ट कोला, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई करें जो कोक पसंद करते हैं। पहले तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि ना पिए ना, ये तो फ़ायदेमंद है भी नहीं, लेकिन ये कि नेक्स्ट कोला जो है अभी जब हम पीते हैं बहुत मज़े का होता है, ट्राई करें। दूसरी ये बात कि आपके दांत ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप सब जो है अपना ख्याल रखा करें। अभी फेस वॉश हो गया, अभी इसके बाद जो है मैं अभी यहाँ पे करती हूँ स्क्रब, ठीक है। मैं स्क्रब भी आप सबको दिखा देती हूँ, स्क्रब जो है ये है। फेस वॉश के बाद जो है आपने थोड़ा सा हल्का सा ये आपने स्क्रब करना है, ठीक है। स्क्रब भी थोड़ा सा ये ले ले, थोड़ा सा हाथों को जो है आपने गीला करना है, ठीक है। गीला करने से ये है कि आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रेस ना हो, ये रहा। इसी तरह आपने करना है स्क्रब, ठीक है, बिल्कुल अच्छी लाइट लाइट, ठीक है। ये इस तरह आपने स्क्रब करना है। गाइस आप सबसे ये भी कहना है मुझे कि मेरी एक और चैनल है मेरी ब्यूटी पार्लर के नाम से है आमनाज मेकओवर, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को जाके देखे, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी देखें, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ जो मेरी डेली रूटीन का मेकअप होता है, कोई फंक्शन होता है, ब्राइडल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप होता है, हेयर डिज़ाइन है, हेयर कटिंग है, जो भी ब्यूटी के बारे में है वहाँ पे मैं जाके वीडियो डालूँगी, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। अभी जो है मैं उसका स्क्रीनशॉट जो है उसको मेरे चैनल का आपको सब दिखाने वाला, भी एक दफ़ा देखिए आप। तो जी अभी जो है ये स्क्रब भी हो गया है, देखें ये रहा, बहुत मज़ा आ रहा है तुम ये देखें इस तरह, ठीक है। मेरी जो है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा धब्बा भी है लाइक इस तरह का, ये हमारे हजारा टाउन की तरफ औरतों के ज़्यादा मूस के मुंह पे है, मायाबाद साइड पे जो है औरतें उनके बहुत स्किन ख़राब है। ये मैं रिकमेंड करूँगी कि B&B ऑर्डर करें अपने लिए, आप फेस वॉश करें डेली, ये ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। तो फेस वॉश के बाद आपने यूज़ करना है स्क्रब, ये स्क्रब देखे ये हो गया। आपने वॉश के बाद स्क्रब के बाद हल्का सा आपने सोखना इसको, जब ये सूख जाएगा आप ये देखें, ठीक है। वो चीज़ मैं ज़रूर आप सबके साथ में शेयर करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, आप लोगों को वही मैं दिखाऊँगी, ठीक है। चले अभी जो है अभी हम मास्क लगाते हैं, ये रहा मास्क, इसमें मैंने दूध इस्तेमाल किए, मैंने हाफ चम्मच जो है आपने इसकी पाउडर है आपने वो डाल दी, उसके बाद थोड़ा सा मिल्क डाले, तो हल्का सा पेस्ट बना के आपने फेस पे यूज़ करना है। और मेरी जो दूसरी चैनल है तो आप सबको मैं वही कहूँगी जाके ज़रूर देख के, ठीक है, आमनाज मेकओवर के नाम से है, जाके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें
और प्लीज़ जिनको मुझसे प्यार है वही जाके देखे, फजूल कमेंट ना करे उसमें, क्योंकि उसके बाद जो है मैं ब्यूटी वाली सारे ब्यूटिशन की जो चीज़ है वो मैं शेयर करूँगी। अगर कोई भी प्लीज़ वही रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप अगर किसी ने ऐसे वैसे कमेंट कर दिया तो प्लीज़ बुरा ना माने, तो मैं उसको सीधा चैनल से ब्लॉक करूँगी ताकि वो चैनल आप देखे ही ना देखे ना जोश मारे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये रहा फेस का भी हो गया, अभी हम बाकी रहते हैं दांतों का मसला। थोड़ा सा हल्का सा वाइट करना है मुझे, मुझे दांतों से बहुत प्यार है। देखिए कितने ये कोलगेट वाले दांत है, आगे पीछे नहीं है। जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत इसकी रिजल्ट अच्छी है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल्स नहीं है, तो दुआ में याद रखें। जी गाइस ये देखिए, अब ये रिजल्ट खाली चेक करें। ठीक है, अभी मैंने फेस वॉश कर दिया है, उसके बाद अभी इसका जो लास्ट रहता है मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र भी है थोड़ा सा, ये लगा के फेस को बस आप जोड़ें। ठीक है, ये जो है आप अपने हस्बैंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे भाई है, मामू है, चाचू है, काका है, जो भी सारे, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है इनका, आप मैं दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें ये चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद स्क्रब करना है, स्क्रब के बाद आपने मास्क लगाना है, मास्क के बाद आपने लास्ट में आपने उसको मॉइस्चराइजर करना है। ठीक है, स्क्रीन शूट करके आप अपने पास रख के ये, ठीक है, तो रिजल्ट आप चेक करें। ठीक है, बहुत नरम, साफ सुथरा, बहुत ज़बरदस्त। तो कि लड़के जो है सारे, भाई, मामू, चाचा, अंकल, सब कुछ सारे यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी माएँ भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी बूटी बूटी माएँ भी है सारी यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर करके आप भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत जब अगर कोई फंक्शन पर जाना हो या इसलिए। रहा मेरी फाइनल लुक, ठीक है, फिलहाल चलो हम बाहर जाते हैं और विजिट भी करते हैं क्लिनिक को, कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म है तितर पितर हो गया है। तो चलो आप सबको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अलीसा की जो यूनिफॉर्म है वो बटन टूट गया, इसको थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म जो है अगर सही ना हो तो ये आर्मी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ से हमें कॉल आते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसे कॉल नहीं आई है, लेकिन मौका ना दे तो बेहतर है। क्या है ये? पिंस। आप कहाँ जा रहे हो? दादी के घर। तो आपने इतना सामान, दिखाओ मम्मी को आपने क्या क्या उठाया। अलीसा ने पता है क्या किया है गाइस? तो ये अलीसा ने अपने सारे कपड़े जूते उठा के ये जा रही है अपने दादी और पुप्पो के पास, हमेशा हमेशा के लिए जाएगी उधर। हाँ, क्योंकि इसको मम्मी से प्यार नहीं है, इसको दादी और पुप्पो से ज़्यादा प्यार है। क्या अच्छा, नहीं तो आपने सारी चीज़ें आप देखो उठा के ले जा रही हो ना, कि आपको जाना है पुप्पो के पास दादी। इधर भी है क्या? थोड़े कपड़े इधर भी हैं। थोड़े कपड़े इधर भी हैं? आपने तो सारा अलमारी खाली किया। नहीं, तो जी मैं रेडी हो गई हूँ, यहाँ बस उधर क्लिनिक पे जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास, तो चले ब्या ब्या ब्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हीरो के साथ जाएंगे। तू समझा? हाँ। यहाँ पे हम पहुँच गए डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम का बोर्ड में। तो ये रहा इनके रिसेप्शन। हाय, तो शायद यहाँ पे बैठने की जगह है, अभी हम अंदर जाके उनसे बात करते हैं। तो चले
अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक डॉक्टर साहब? बस आप, ये मसला ये है, देखो थोड़ा सा अंदर से हल्का हल्का ब्लैक हो गया है क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीती हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इनको क्लीन करना है। और बाकी जो मैंने एक दफ़ा हज़ार टाउन में किया हुआ था तो वहाँ पे जो है 3 महीने से उसके बाद मैं खाना नहीं खा सकती, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हुआ था जब मैंने सफाई की थी उस टाइम। और उसमें एक प्रेशर के तहत पानी रिलीज होता है, तो उस पानी के साथ जो है वो साफ करते हैं स्टैंड वगैरह। तो बेसिकली जो टिप होता है ना वो टिप के साथ नहीं मारना होता, साइड साइड से जो है उसको सफाई करते हैं। मुझे थोड़ा सा हल्का सा अगर आपके व्यूअर्स आएंगे आपके तवसुत से तो इंशाल्लाह जो है उनके लिए 30% डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, मुझे आप थोड़ा सा मुझे डिजाइन दिखा के फिर मैं सबको दिखाऊंगी कि क्या होगा। चले सही, तो चले यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इनके यहाँ पे भी लेबोरेटरी है, तो साइड में डेंटल सर्जरी रूम है। चले, अच्छा है, ज़बरदस्त बना हुआ है। बस आप सब दुआ करें मेरे दांत जो है सफ़ेद हो जाए। चले ज़बरदस्त, हम यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर के साथ, चलो अभी तैयारी हो रही है। तो अभी मेरे दांत देखे बिफोर एंड आफ्टर का आप सबको मैं दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा येलो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हल्का सा मतलब वाइट हो जाए, उसके बाद जो है आप सबको मैं दिखाऊंगी क्या रिज़ल्ट है। और मेरे अंदान के अंदर से थोड़ा सा अंदर के साइड से थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी है, उसको मुझे क्लीन करना है। और डॉक्टर एजाज के पास मैं आई हूँ क्योंकि सेकंड टाइम यहाँ पे बैठते हैं, फर्स्ट टाइम में फ्री नहीं होती हूँ। अगर किसी आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है? अभी मैं सेकंड टाइम आई हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों से बाकी इधर आई हूँ। थोड़ा सा जूस पीते हैं, अभी तो हम फारिग हो गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे दांतों का क्लीनिंग हो गया है, बाकी थोड़ा सा वाइटनिंग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे लगेगा। आज के लिए थोड़ा सा इतना ही, क्योंकि अभी सेंसिटिव हो गए बहुत, क्योंकि मेरे दांत वैसे भी सेंसिटिव है पहले से, तो थोड़ा सा अभी क्लीन हो गया है, तो इंशाल्लाह जो वाइटनिंग होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको मैं दिखाऊँगी ज़रूर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूस इंजॉय करते हैं, नौशी जान करते हैं। मज़ेदार मज़ेदार, अली भी आ गया है। चौकीदार हमारे, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हम घर पहुँच गए, डॉक्टर से भी फारिग हो गए, बच्चे इधर ही। तुमने तुम लोगों ने घर का क्या हाल किया है? देखो क्या किया था, वाइट किया है क्या क्या। अली को भी मैंने मास्क लगाया, जिस तरह मैंने मास्क मैंने खुद लगाया, अली को भी मैंने मास्क लगाया। देखो चेहरा दिखाओ, अपना प्यारा चेहरा दिखाओ। अल्लाह, ओह माय गॉड। चले क्या पका रहे हो? मिक्स सब्जी, भिंडी, क्या मिक्स सब्जी, भिंडी और तोरी, तीन आइटम बना रहे हो? तीन आइटम बनाना है एक ही दफा में, आज रात को खाएंगे। अच्छा, दो और दो दो तीन दिन के बाद कल दोपहर को खाएंगे और कल रात को खाएंगे। अच्छा चलो, चले सही, खुआरी ओके। चले मैं भी जाती हूँ,
अभी अपने कमरे की तरफ, वहाँ पे तो मेरा दांत थोड़ा सा साफ हो गया है, तो क्योंकि वाइटनिंग मुझे करना था तो एक सेशन में नहीं होगा इस वजह से, तो मुझे एक दफ़ा में जाके विजिट भी मैंने किया है, थोड़ा सा क्लीन मैंने किया है, लेकिन वाइटनिंग के लिए मुझे कोई और दिन मुझे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में ये भी आप सबसे कहना है कि ईद मिलाद नबी आप सबको मुबारक हो, दिल से अल्लाह सबको आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके घरों में, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके भाई बहन माँ बाप के साथ, आपके बीवियों के साथ, आपके बहन के साथ, तो इंशाल्लाह तो आप सब खुश रहे, आबाद रहे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सब खैर। अभी यहाँ से हम जाएंगे बड़े घर, वहाँ पे खाना खा के घर आएंगे। A few moments later. मोहम्मद ची मुखरा, चावल मुखरा, ओ कबाब, कबाब का चावल मुखरा, ओ नयाल कबाब दादाई वाला मीर। It's okay. खैर मैं दिखा मैं तुम्हें लीजा, ओके okay?